बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी पर एआईपीएलबी का बड़ा बयान, पीएम मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा जाएगा। एबीपी न्यूज से बोले एआईएमपीबीएल के प्रवक्ता कासिम रसूल। मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार से मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार से मुलाकात हुई है। इस बीच उद्धव ठाकरे से उन्हें भरोसा भी मिला है, ये कहा है। एआईएमपीएलबी का ये बड़ा बयान सामने आया है। यूसीसी पर जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, जो लगातार बैठकें हो रही हैं, उसमें एआईएमपीएलबी का ये बड़ा बयान सामने ये आया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त भी मांगा है। बिल्कुल, तो एबीपी न्यूज से बोले हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता खड़गे और शरद पवार से मुलाकात हुई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा जाएगा। हमारे साथ में कासिम रसूल इलियास साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आधिकारिक प्रवक्ता हैं और बोर्ड की ओर से अपनी बात कहने का इनके पास बोर्ड की ओर से दिया गया अधिकार है। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि देखिए, अब तो बोर्ड ने अपनी एक राय रख दी, आपने भेजा भी था उसका पूरा ड्राफ्ट जो लॉ कमीशन को सौंप रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मुद्दे को लेकर के आप लोग और क्या क्या कर रहे हैं, जैसे कि सियासी दलों से भी क्या आप रابطہ कर रहे हैं, किन किन से आप मिले और क्या रिजल्ट रहे उसके? देखिए, चूँकि लॉ कमीशन ने मुल्क के तमाम लोगों से, यानी सिर्फ रिलीजियस ग्रुप से ही बात नहीं की है, बल्कि वो ये चाहता है कि एवरी सिटीजन शुड पार्टिसिपेट, हर आदमी अपनी राय दे। तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राय दें, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, हमारी कोशिश ये है कि चूँकि बेसिकली जब भी कोई ड्राफ्ट आएगा वो पार्लियामेंट में आएगा, तो हम पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं और हमने अब तक के नेशनल एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार जी, उनसे मुलाकात की, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब से बात की, और इसके अलावा हमने कांग्रेस के महाराष्ट्र के जो प्रमुख हैं उनसे बात की, और कल हमारी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे जिससे भी हुई उनके घर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपने जो बात बताई है कि आपकी, आपने तीन प्रमुख पार्टियों के जो सदर हैं उनसे मुलाकात हुई है, शरद पवार साहब से हुई है, उद्धव ठाकरे जी से हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है। अब मुझे आपसे ये समझना है कि एक तो सबसे पहले सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उनकी ओर से आपको क्या इस मामले में आपको क्या कहा गया, कोई भरोसा दिलाया गया क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि हमने उनको ये बताया कि वाई वी आर अपोज टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारी इसकी मुखालफत की इसकी वजह क्या है। हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमने हमारे जो पूरे सिविल लॉज हैं सीआरपीसी और आईपीसी, उसको और मुल्क के अंदर जो दूसरे कानून नाफिज होते हैं उसके अंदर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये हमने साबित किया। आदिवासी इलाकों में जो कानून लगते हैं ये आपने रखा उनके सामने, आदिवासी के भी कानून रखे हमने उनके सामने। फिर हमने ये कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो देश में जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऐसे कई एग्जेम्पशंस हैं, खुद रिजर्वेशन की पॉलिसी को आप उठाकर देखिए। फिर हमने ये कहा कि देश में बहुत सारे कानून हैं जिसमें कई रियासतों को उससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जैसा कि काउफ सल्डर का कानून है, 5 बड़ी रियासतों में नाफिज नहीं है। इसी तरह हमने रिजर्वेशन के कानून में क्या तब्दीलियाँ स्टेट टू स्टेट हुई है वो भी बताया उनके सामने। तो हमने ये कहा कि ये जो पर्सनल लॉ है और जो कस्टमरी लॉज हैं, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इवन हिंदू कम्युनिटीज़ को बहुत दिल से करीब होते हैं, उसमें हस्तक्षेप करने का मतलब ये हुआ कि आप मुल्क की डाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करेंगे। ये आपके उसमें भी था, ड्राफ्ट में भी था कि डाइवर्सिटी को मेनटेन रखना चाहिए, क्या रुख था इस पर? खड़गे साहब ने क्या कहा? खड़गे साहब ने कहा कि जितनी बातें आपने कही है ये हमारे सामने हैं और हम जब भी इस पर पार्लियामेंट में बहस करेंगे, पार्टी जब ड्राफ्ट आएगा तो हम इन सब चीज़ों को सामने रखकर अपना पक्ष रखेंगे। आपकी कई बातों का संज्ञान लेंगे वो, जो आपने तर्क, हमारी बातों का संज्ञान लेंगे वो, हम तो बात इसलिए पार्लियामेंट में ये बातें रखी जाएंगी जो आपने उनके सामने रखी जानी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने तो हमको यकीन दहानी कराई कि आपने जो बातें कही है ये बातें हमारे सामने हैं और हम इन बातों का लिहाज रखेंगे जब इस पर बहस करेंगे संसद में। जब उद्धव ठाकरे साहब से आपकी क्या बात? देखिए, उद्धव ठाकरे ने ये बात कही कि हम लोग तो चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में रहे हैं, लेकिन हम ये बात भी
तकरार से कह रहे हैं और अब भी कह रहे हैं आपके सामने कि हम डाइवर्सिटीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं, डाइवर्सिटीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सब की सहमति से ही बनना चाहिए, किसी को असहमत करके यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनना चाहिए, ये यकीन दहानी उन्होंने करना। उनका मतलब सबको सहमत किया जाए उसके बाद वो बने, सबकी सहमति लेकर। हाँ, जब तक सबकी सहमति ना हो इस तरह का कोई कानून बनना नहीं चाहिए, ये उनकी राय थी। जी बिल्कुल, सबकी सहमति में तो जो अकलियत है उनकी भी सहमति शामिल, बिल्कुल हमारी भी सहमति शामिल है, हम मिल नहीं तो इसलिए कहते हैं कि हमारी सहमति नहीं है। उन्होंने कहा कि सबकी सहमति लेकर। हाँ, पवार साहब ने क्या बोला? पवार साहब ने भी ये बात कही है कि जो बातें आपने कही हैं इन सब बातों से मुझे पूरी तरह मैं सेटिस्फाइड हूँ, और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं हैं, जो 21st लॉ कमीशन का जो कंक्लूजन है उससे हम इत्तेफाक करते हैं। अब मुझे बात बता दीजिए, आपने तीन बड़ी पार्टियों से आपने मुलाकात कर ली, आगे का आपका क्या है? क्या दूसरी जो सियासी पार्टियाँ हैं, समाजवादी पार्टी हुई, BSP हो गई, आम आदमी पार्टी, क्या उनसे भी आपके मुलाकात करने का कोई टाइम ले रहे हैं? हम न सिर्फ अपोजिशन पार्टी से मिलेंगे, हम रूलिंग पार्टी से मुलाकात, BJP से मुलाकात बिल्कुल करेंगे, उसमें क्या परेशानी है भाई? BJP अगर ला रही है तो हम बात करेंगे, इस वक्त में रूलिंग पार्टी है, वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री है, हम राष्ट्रपति से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये स्कीम प्लानिंग में है, ये प्रधानमंत्री से प्लानिंग में है, अगर हमको टाइम देंगे तो हम उनसे मुलाकात करेंगे। आप टाइम मांगने जा रहे हैं प्रधानमंत्री? टाइम मांगेंगे हम प्रधानमंत्री से। तो कासिम रसूल इलियासी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता, उनसे बातचीत की थी हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने, सीधे उनके पास लिए चलते हैं आपको। अभिषेक, कासिम रसूल इलियासी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने बात भी की, मुलाकात भी की, चर्चा भी हुई, दावों में कितना दम है? आपने उनसे सीधा सीधा बात किया? कारिक प्रवक्ता हैं तो उनकी बात में पूरी तरह से उनकी बात पर एतबार किया जाना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में वही हैं जिनको की बात करने का एज ए स्पोक्स पर्सन हक है, दूसरा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। और वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात तीन बड़ी सियासी पार्टियों के सदर से हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शरद पवार से हुई है NCP के अध्यक्ष, और उद्धव ठाकरे से हुई है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो अध्यक्ष हैं। इसमें अहम बात यह है कि उनको कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि उनकी बातों का वो संज्ञान लेती है कांग्रेस, और पार्लियामेंट में जब बहस होगी तो उनकी बातों का ध्यान रखा जाएगा, लिहाज किया जाएगा, एक एश्योरेंस उनको कांग्रेस की ओर से दिया गया है। और उद्धव ठाकरे ने उनसे ये कहा है कि UCC सबकी सहमति से ही लागू किया जाना चाहिए। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांगेंगे, ये भी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, वो बोर्ड के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, उनकी राय ही बोर्ड की राय है। जी, उनकी राय ही बोर्ड की राय है, लेकिन अहम बात यह भी है कि वो हमेशा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इसमें डाइवर्सिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए, और जो ड्राफ्ट कमेटी बनाने की बात की जा रही है, या फिर ये बात होती है कि उत्तराखंड में जो ड्राफ्ट कमेटी बनी है उसने अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप दी है, तो उसमें तो ये हुआ है कि उस कमेटी ने सब धर्मों के प्रैक्टिसेस को देखा, एक बहुत बड़ा उन्होंने सैंपल साइज लिया, लोगों से वो मिले, राय मांगी, उसके बाद ये बात तय की गई कि सभी लोगों के जितने प्रैक्टिसेस हैं और जो उनका जो उनकी डाइवर्सिटी है उसका ख्याल रखा जाएगा। देखिए, उनका जो आर्गुमेंट है उस आर्गुमेंट की हम बात कर रहे हैं, और वो एक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब हम कर क्या रहे हैं, हम ये देखना जरूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का प्लान ऑफ एक्शन क्या है उनका। अभी इसमें हम तर्क पक्ष और विपक्ष से हट करके अगर इस पर फोकस करें कि वो क्या करने जा रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो करने ये जा रहे हैं और कर ये रहे हैं कि सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से, सदरों सद जो सदर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको अपने तर्कों से वाकिफ करा रहे हैं। वो इसको लेकर के मुतमईन है कि आखिरकार ये अगर कहीं बिल आएगा तो पार्लियामेंट में आएगा, तो अगर पार्लियामेंट में हम तमाम पार्टियों को अपनी राय से अवगत करा सकेंगे तो शायद इस पर रोक लग जाए। और इसीलिए वो कहते हैं पार्टियों से तो यहाँ पर आश्वासन मिल गया है, अब देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है तो क्या बात रखी जाती है।